ट्रक में, ट्रैक्टर में, ट्रक में। ओ भाई साहब, सभी भाइयों का फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में भाई। और आज जा रहा हूँ मैं नैनीताल। दिल्ली तो कल पहुँच गया था, कल दो हादसे हुए भाई दिल्ली आते वक्त। एक तो अपनी गाड़ी का विंडस्क्रीन टूट गया, मतलब एक आके चक्का पत्थर लगा और उससे विंडस्क्रीन टूट गया। और दूसरा कल एक ट्रक में रास्ते में आग लगी हुई, मेरे अपनी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, वो रही अपनी गाड़ी। इस बार फॉर ए चेंज इको स्पोर्ट लेकर आया हूँ मैं, वॉल्वो नहीं लाया, क्योंकि गाड़ी का भी मन कर रहा होगा ना भाई घूमने का, कहीं गई नहीं, हमें लोकल जयपुर में ही रहती है हमेशा, तो इसलिए इस बार इको स्पोर्ट लेकर जाएंगे नैनीताल। राणा मिलेगा रास्ते में भाई, और अभी फ़िलहाल यहाँ से सामान रख के निकलते हैं दिल्ली घर से। ये है भाई वो जो क्रैक कल आया था ना हाईवे पे, जब एक पत्थर आगे लगा था, ये देखो विंडस्क्रीन क्रैक हो गया है। और हम निकलने के लिए तैयार हैं भाई, गाड़ी में सामान ठूस लिया है, ठस भर गया है। अब थोड़ा सा सामान राणा की गाड़ी में शिफ्ट करेंगे, और आज पूरे रास्ते राघव का प्रकोप सहना पड़ेगा, छोटी गाड़ी में एडजस्ट करके ले जा रहे हैं उसको भाई। तो आज की जर्नी की शुरुआत भाई कर रहे हैं हनुमान मंदिर के दर्शन करके, और मैडम जी हमारी खुश हो गई हैं, है ना इनो, अब दांत दिखा दिए, ये फर्जी वाले दांत दिखा रही हैं। तो अब हम निकलेंगे भाई डीजल भरा के, फिर राणा मिलेगा हमारे को। तो ये हमारी दूसरी गाड़ी आ गई है भाई रेडर्स क्रू की। राणा जी गॉगल्स पहन के फुल एकदम, कैसे हो राणा जी? बढ़िया बढ़िया। और कैसा रहा आपका अभी तक का सफर? अभी तक तो ठीक रहा, स्मूथ थीक? रहा, स्मूथ रहा ना, आगे भी स्मूथ रहेगा। दो दो मिनट का आगे पीछे जो हो रहे थे अब बराबर चलेंगे। पिछले भाई डेढ़ दो महीने में तीसरी बार हम लोग रुके हैं शिवा टूरिस्ट ढाबा। पहले बार जब जिम कॉर्बेट गए थे तब हम यहाँ रुके थे, फिर उसके बाद दूसरी बार जब नैनीताल में और चिराग गए थे तब भी यहीं रुके थे, और अब हम नैनीताल विद फैमिली जा रहे हैं थर्ड टाइम, हम लोग फिर से यहीं रुके हैं। तो अब हमारा ये फिक्स स्पॉट हो चुका है। ये हमारे पकौड़े आ गए हैं भाई। हाँ ये रहे ना पकौड़े, तो हैं अभी आ रहे हैं। ये सैंडविच, ये पराठा विद मक्खन, ये खाएंगे राणा जी, तू खाएगा और कौन खाएगा? तो नाश्ता कर लिया भाई शिवा टूरिस्ट ढाबा पे, और अब निकल रहे हैं। 9 बज गए हैं, नाश्ता करने में 9 बज गए थे हमारे को। अब निकलेंगे यहाँ से, अब अगला हॉल्ट लेते हैं दो ढाई घंटे बाद, तक जाते हैं 150 किलोमीटर पे। बोलते हैं 3 घंटे बाद एक ब्रेक चाहिए, और ये रेडर्स क्रू के सबसे डीले पायलट हैं, हैं अगर कहीं पर पूरा एक साथ जाना पड़ा तो फिर उस टाइम पहुँचाएंगे। लद्दाख कैसे पहुँचाएंगे भाई राणा तू? अगर अपने को लद्दाख जाना पड़ा तो तू तो एक हफ्ता तो पहुँचाने में लगा देगा, फिर रास्ते में बोलेगा केएफसी दिख गया रोक लो। चलो अब केएफसी खाना है। हाँ भाई केएफसी खाएंगे। रोक कहाँ गया, छुप गया भाई। अभी हम लोग रुके हैं रुद्रपुर के एक मॉल में, और मॉल तो हमने गुड़गांव और उधर वैसे खूब देखे हुए हैं भाई, अब यहाँ पे भी रुक गए कोई बात नहीं, सेम टू सेम ऐसा। विनू क्या खरीदना है तुम्हें मॉल से? शैनेल का परफ्यूम। शॉपिंग करोगे रुद्रपुर से? शॉपिंग करोगे? खैर ये सब तो मजाक की बात है भाई, यहाँ पे देखते हैं फूड कोर्ट में कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे आगे। राणा को एक ब्रेक चाहिए था, वो ब्रेक दिलवा दिया उसको। ये भाई हम पहुँच गए हल्द्वानी, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से, और जहाँ पहाड़ शुरू हो रहे हैं वहाँ पे, और जाम लग रहा है यहाँ पे, आधे घंटे का जाम दिखा रहा है। ये देखो ये गूगल मैप्स आधे घंटे का जाम दिखा रहा है, और जाम क्यों है पता नहीं, टूरिस्ट आए हुए हैं उसलिए है या क्या रीज़न है जाम का पता नहीं। अभी भाई नैनीताल से पहले हम रुके हैं एक जगह चाय पीने नाश्ता करने। राणा क्या खराब हो गया? राणा आलू आलू वाले हो गए होंगे खराब, इसको भाई कितने हर थोड़ी देर में, 3 घंटे में ब्रेक चाहिए होता है ना, ढाई घंटे बाद मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए ड्राइविंग के लिए, कंसंट्रेशन वापस लाने के लिए, वरना चली जाती है इसकी कंसंट्रेशन ना पहाड़ों पे चली जाती है, तो उसको वापस लाने के लिए ढाई घंटे में एक ब्रेक लेता है। नैनीताल पहुँचते पहुँचते 4 ब्रेक ले लेगा भाई। तो खैर नेक्स्ट स्टॉपेज तो होटल पर ही है, होटल पहुँचते हैं। जाम जबरदस्त था सुबह 6 बजे के चले हुए हैं, और अभी टाइम हो गया है 4:45 बजे, अभी हम डेस्टिनेशन पर पहुँचे नहीं है भाई, अभी चाय पानी पी के यहाँ से निकलता है। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे भवाली 5:15 बजे।
छः बजे चले थे, 11 घंटे लगभग लग गए। 11 में से मान के चलो कि हमारे दोस्त की वजह से 3 घंटे रास्ते में हम रुक गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी हमारे को टाइम लग गया 8 घंटे के आसपास, तो फिर भी लग गया भाई। टॉर्चर है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ जाम। एक तो UP 32 देखना पड़ेगा कहाँ का है, UP 32 नंबर की बहुत गाड़ियाँ मिली, दिल्ली नंबर के, अरे RJ 14 भी हैं यार सामने, जयपुर से भी आए हुए भाई लोग, जयपुर से आए हुए भाई, हम भी जयपुर से हैं भाई, मैं आदर्श नगर रहता हूँ। अब ताश खेलने की तैयारी कर रहे हैं भाई, हाँ ये देखो सब एक कमरे में आ गए, हम लोग ताश खेलेंगे, पर मैं तो नहीं खेलूँगा, राणा खेलेगा, चिंटू खेलेगा। भाई आ गए हैं डिनर करने, और आज के दिन का यहीं पे एंड करते हैं, मतलब आज के ब्लॉग का भी एंड करते हैं, खाना खाएंगे, आराम करेंगे। खाने में अभी हमने क्या मंगाया है, खाने में मिक्स वेज है, चावल है, दाल है, पापड़ है, सब कुछ है, अभी खाएंगे और फिर सुबह से चलते चलते थक गए हैं, तो अब जाके सोएंगे, आराम करेंगे, कल सुबह एक नए ब्लॉग में मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में।